आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरों में प्रवेश करने के लिए तैयार है और फिल्म देखने वालों के बीच इसका उत्साह साफ है। फिल्म में लाल सिंह चड्ढा की भूमिका निभाने वाले आमिर खान अपने पेशेवर जीवन में कई टोपी पहनेंगे, जिनमें से एक फिल्म में देश भर में लंबे समय से चल रही है। लाल सिंह चड्ढा की भूमिका निभाने वाले आमिर खान को इस परिदृश्य के फिल्मांकन के दौरान अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं पर धकेल दिया गया था, जो दर्शकों के लिए उतना रोमांचक नहीं था जितना लगता है। आमिर खान का घुटना क्षतिग्रस्त हो गया था और लंबे समय से चल रहे एपिसोड की शूटिंग शुरू करने से पहले उनका पुनर्वास हो रहा था। दूसरी ओर आमिर खान ने बाधाओं के बावजूद फोन किया। जॉगिंग के दौरान अभिनेता बेचैनी को कम करने के लिए लगातार दवाएं ले रहे थे। आमिर खान ने फिल्मांकन के समय पर महामारी के प्रभाव के कारण अपनी चोटों के बावजूद दौड़ने का विकल्प चुना। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा में विस्तारित एपिसोड की शूटिंग के लिए इंतजार करने से इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म के उस हिस्से पर फिल्मांकन में लगातार देरी हो रही थी। भले ही फिल्मांकन थकाव था, अभिनेता ने हार नहीं मानी और अपना सब कुछ दे दिया। लाल सिंह चड्ढा का रनिंग सीक्वेंस फिल्म के सबसे चर्चित क्षणों में से एक है, जबकि भारत के खूबसूरत परिदृश्य में दौड़ते हुए लाल सिंह चड्ढा एक और जीवन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। करीना कपूर खान, मोना सिंह और चैतन्य अक्किनेनी आमिर खान प्रोडक्शंस, किरण राव और वाईकॉम 18 स्टूडियो की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी काम करते हैं। फॉरेस्ट गंप का आधिकारिक रीमेक यहां है। फिल्म साल 2022 में 11 अगस्त को रिलीज होगी।